हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज हम लेके आ गए तारिक जमील साहब का बयान, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, जिसका टाइटल है दिल को नरम करने वाली बयान, हदीस, ये टाइटल है गाइस, ठीक है। तो बयान देखते हैं कैसा बयान है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हम कपल को सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। तो चलो बयान सुनते हैं, उसके बाद रिएक्शन देते हैं। मुस्तरदिम ने शद्दाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे जैसे समंदर में उंगली डाल के बाहर निकालो तो जो उस पे लगा है वो दुनिया है और जो समंदर है वो आखिरत है। ये समझाने के लिए है, वरना महदूद और लामहदूद में कोई मुनासबत कायम नहीं हो सकती, महदूद और लामहदूद में कोई नस्बत कायम नहीं हो सकती। ये मेरे नबी आपको एक ज़ाहरी मिसाल से समझा रहे हैं कि दुनिया इतनी छोटी है जैसे पानी का कतरा भी नहीं रहता ना, सिर्फ एक तरी रह जाती है, और आखिरत इतनी बड़ी है जैसे सात समंदर। मेरे समंदरों के कई सफरों हैं तो मैं इसको आंखों से देख रहा हूँ कि इधर एक कतरा हो और कतरे की भी तरी हो और इधर समंदर हो तो क्या निस्बत है, ये समझाने के लिए है। वरना महदूद और लामहदूद में कोई नस्बत कायम नहीं हो सकती, महदूद और लामहदूद में कोई नस्बत कायम नहीं हो सकती। वो लामहदूद ज़िंदगी है, ये महदूद ज़िंदगी, कोई नस्बत कायम नहीं हो सकती, आरज़ी वो हमेशा। और फिर एक और मिसाल से आपने फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के बच्चे पर गुजरे जिसके कान कटे हुए थे, तो आपने फरमाया इसको एक दिरहम में कौन खरीदे। कि या रसूल अल्लाह, हम तो इसे मुफ्त भी नहीं लेना चाहते, ये जिंदा भी होता तो कान कटा था, ये तो मरा हुआ भी हो कान कटा हुआ भी है। तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह की नज़र में इससे ज़्यादा हकीर है, जैसे ये तुम्हारी नज़रों में हकीर है, दुनिया अल्लाह ताला की नज़र में इससे ज़्यादा हकीर है। रिकाक, रिकाक कहते हैं अरक्का या रिक्को, नरम हो जाना, नरम। और नरमी ये मिजाज शरीयत है, मिजाज दीन है, इसमें वो मजामीन आएंगे जो मेरे आपके दिल को नरम कर देंगे। और हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी को पहले नरम किया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, उग जाता है। सख्त मिट्टी में बीज डालो तो नहीं उगेगा। तो इस हदीस में ये जो मुहद्दिसीन ने उन्वान बांधा है वो ये रिकाक, दिल को नरम करने वाली हदीस और कलाम। और दिल की नरमी जिसको भी नसीब हो गई पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा, जो कि मिजाज दीन है। मैं इस लफ्ज़ से इस्तेमाल करता हूँ, वलियतलत्तफ, कुरान के दरमियान में है, दरमियान वलियतलत्तफ, आधा कुरान इधर है आधा इधर है, बीच में ये लफ्ज़ आया। ये है तराजू के कांटे की तरह, कांटा सीधा हो तो तोल ठीक होता है, कांटा इधर हो या इधर हो तो तोल गलत हो जाता है। तो ये लफ्ज़ बीच कुरान में आकर तराजू के कांटे की तरह हमें बता रहा है कि जो मिजाज दीन है, जो मरकज़ दीन है, कांटे की तरह वो नरमी है, नरमी। अगर ये इधर उधर हो के शिद्दत में तब्दील हो गई तो सारे दीन का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये वलियतलत्तफ बाब तफाउल है, तफाउल इंतहा दर्जे की नरमी, इंतहा दर्जे की नरमी जो पूरे दीन को तुम्हारे दिल में उगा देगी। इसमें अगर आप और मैं शिद्दत की तरफ जाएंगे तो कुछ बीज उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे। तो अल्लाह मुझे भी आपको नरमी मिजाज नसीब फरमाए। शिद्दत अल्लाह को नापसंद, मेरे नबी का फरमान है अगर नरमी की कोई शक्ल होती
तो दुनिया की सबसे खूबसूरत शक्ल होती, सख्ती की कोई शक्ल होती तो दुनिया की सबसे बदसूरत शक्ल होती। लोकान रिफ़ को खलकन लमारा अन्ना सो खलकन अहसन अमिन हो व लोकान लुनफ़ खलकन लमारा अन्ना सो खलकन अब अकबाह मिन हो। बदतरीन शक्ल सख्ती, खूबसूरत तरीन शक्ल नरमी। तो अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह हज़रत उमर की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी शदीदुन फलयिन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी शदीदुन फलयिन्नी। हज़रत उमर मुस्तकिल ये दुआ मांगा करते थे। तो आप भी मांगा करो, ये अल्लाह हमें तो नरमी मिजाज नसीब फरमा। बहुत पुरानी बात है, मुझे एक ताजर ने पूछा, मौलाना साहब ये मदरसे के तलबा में गुस्सा क्यों ज़्यादा होता, कॉलेज के लड़कों से इनमें गुस्सा ज़्यादा होता, क्या वजह? तो मुझे खुद उस वक्त पूरी समझ नहीं थी, मैंने कह दिया इनके साथ शैतान बड़ा होता है, क्योंकि ये इल्म हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे खुद मदारिस बना के पढ़ाने का मौका मिला, फिर मुझे मरज समझ में आ गया कि वो खाली कानून पढ़ते रहते हैं, वो कानूनी जो कलाम है वो दिल को तो मुतासर करता नहीं, दिमाग को मुतासर करता है। दिल सख्त हो जाता है, दिमाग तेज़ हो जाता है, लिहाजा वो पूरे मिजाज में तेज़ी आ जाती है, संभलना मुश्किल हो जाता है, ये उसकी वजह। तो गाइस ये था बयान, बहुत बहुत अच्छा बयान रहता है इनका, इनका जो सिखाने का तरीका है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है बीबी, ठीक है, ये जो बताते हैं बयान में और जो एग्जांपल देते हैं ना, मेरे को इतना पसंद आता है इनका। प्यार से बोलते हैं, एकदम नरमी से होते हैं, वो लोग तो चिल्लाते हैं। हाँ, ये एकदम नरमी से बोलते हैं तो क्या समझ अच्छे से आता है। एग्जाम्पल जो देने का इनका तरीका है ना, बहुत अच्छा तरीका है। मतलब किसी भी इंसान को अगर नहीं समझ पा रहे ना, ये ऐसे एग्जांपल देते हैं, इतना इजी एग्जांपल कि वो इंसान को समझ में आ जाता है। इतना अच्छा बयान है गाइस, रियली गाइस, आप ये इस बयान को पूरा जरूर सुनना, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और आप लोगों को कैसा लगा ये बयान जरूर कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और किनके वीडियो में आपको रिएक्शन चाहिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो गाइस। हम हर एक के वीडियो मतलब कमेंट देखते ही है, ठीक है, तो हम बयान लेके आएंगे, थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग जरूर सपोर्ट करो हमारे चैनल को, अगर आप लोग न्यू हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।